गुड मॉर्निंग बच्चों, ये कक्षा 7 गणित का वीडियो भाग 20 है और आज की इस वीडियो भाग में हम प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है जो आपका दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपए के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको जो ये पैसे में दिया हुआ है इसको आपको रुपए में बदलना है। तो रुपए और पैसे को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक रुपये बराबर होते हैं 100 पैसे, है ना। और जब आप पैसे की बात कर रहे हैं तो ये दोनों जो है राशियां हैं, पैसे को रुपए में बताना या पैसे में बताना, ये दोनों जो है रुपए को बताने की राशि है। रुपया जो है वो बड़ी राशि होती है और पैसे जो है वो छोटी राशि होती है। तो आप हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे, जब आप रुपए को पैसे में बदल रहे हैं तो रुपये बड़ी राशि है और पैसे छोटी राशि है। तो जब हम बड़ी राशि से छोटी राशि में जाते हैं तो हमेशा गुणा करते हैं, ठीक है। और जब छोटी राशि से बड़ी राशि में आएंगे तो भाग करेंगे। आप हमेशा ये याद रखेंगे, बड़े से छोटे में गुणा और छोटे से बड़े में भाग। तो कितने से गुणा और भाग करेंगे आप? 100 से, क्योंकि एक रुपये बराबर कितना होता है? 100 पैसे होते हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न जो है हल करते हैं। 7 पैसे को हम रुपये में बदलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 7 पैसे। अब आपको इसको रुपये में बदलना है तो आप यहाँ पर 7 लिखा आपने। अब आप देख रहे हैं पैसे जो है वो छोटी राशि है और रुपया जो है वो बड़ी राशि है। आप छोटी राशि से बड़ी राशि में जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे, ठीक है। तो हमने 100 से भाग कर दिया तो 7 को जैसे हमने 100 से भाग किया, ये अपने आप किस में बदल जाएगा? रुपये में बदल जाएगा। अब आपको क्या करना है, 100 से आपको भाग करना है। तो यहाँ पर 100 में कितने, आप यहाँ देख रहे हो कि आपको 100 से भाग करना है, अर्थात 100 में 2 शून्य दिए हुए हैं। तो शून्य के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव का चिन्ह नहीं दिया हुआ है, दशमलव आप जहाँ दशमलव का चिन्ह नहीं होगा वहाँ दशमलव जो है आप पीछे की ओर लेंगे। तो यहाँ पर दशमलव है तो आप जब भी भाग करते हैं जीरो वाली संख्याओं से, 100 से, 10 से, 100 से, 1000 से, 1,00,000 से, तो आप क्या करते हैं जितने शून्य दिए हुए हैं दशमलव को उतनी बार बाईं तरफ आप ले जाते हैं। तो यदि आप इसको 2 बार बाईं तरफ ले जाएं दशमलव को, तो ये 1 बार यहाँ आ गया और फिर दोबारा जब आप ले जाएंगे तो यहाँ पर जो है मीन्स यहाँ आपको दशमलव लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 हो गया और यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो हम 0 लगा देंगे। तो जो उत्तर आप किस तरह लिखेंगे, दशमलव आपका ये है तो आप यहाँ दशमलव लगाए, फिर है आपके पास 0 और 7, ठीक है। अब इस तरफ में बाईं तरफ में कोई संख्या नहीं लिखी है तो आप 0 0 लगा सकते हैं। तो आपका जो रुपये में बदला वो कितना आया? 0.07 रुपये। तो आप 7 पैसे को 0.07 रुपया लिख सकते हैं। अब जो है हम इसको चेंज करते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रुपए में भी है और पैसे में भी है। तो सबसे पहले आप इसको दोनों को एक राशि में बदल देंगे। तो एक राशि में बदलने का अर्थ है कि आप दोनों को पैसे में बदल दें। तो हम जानते हैं कि एक रुपये में जो है 100 पैसे होते हैं, तो 7 रुपये में कितने होंगे? 700 पैसे, 100 से गुणा हो जाएगा। तो ये 700 पैसे ये है और 7 पैसे और हैं, दोनों का जब हम जोड़ कर देंगे तो ये हो जाएगी 707 पैसे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 707 पैसे को रुपए में बदल देना है, ठीक है। तो जैसे हमने पहले बदला उसी प्रकार हम बदलेंगे। तो 707 पैसे का रुपए में बदलने का अर्थ है कि आप 707 को क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, रुपये में बदल जाएगा, ठीक है। तो आप 2 शून्य देख रहे हैं, अभी हमारा दशमलव जो है वो कहाँ पर है? यहाँ है, लास्ट में, अंत में है। दशमलव नहीं दिया है तो आप अंत में लेंगे। अब आपको 2 बार बाईं तरफ जाना है भाग करने के लिए। तो 1 बार हम जाएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, दोबारा जाएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, मतलब हमारा दशमलव यहाँ लगेगा। तो हम इस संख्या को किस तरह लिख सकते हैं, 7, अब ये है दशमलव और फिर 0.07। तो 707 पैसे को आप 7.07 रुपये भी लिख सकते हैं। आप इसी प्रश्न को एक और तरीके से हल कर सकते हैं कि अगर हम दशमलव लें तो याद रखें कि जब आप रुपये बदल रहे हैं, आपको यहाँ रुपया लिखना है, तो इसका अर्थ होता है कि आप बाईं तरफ रुपये को लिखेंगे और दाईं तरफ पैसे को लिखेंगे। तो आप रुपये में देख रहे हैं यहाँ पर 7 दिया हुआ है तो हमने यहाँ पर 7 लगा दिया। अब पैसे में कितना दिया हुआ है? 7 ही दिया हुआ है। तो आप यहाँ डायरेक्ट 7 ना लगाएं, क्योंकि आप हमेशा याद रखें कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 100 में कितने शून्य हैं? 2 शून्य हैं। तो हमेशा आप पैसे को 2 अंकों की संख्या में लिखेंगे। तो यहाँ पर 7 दिया हुआ है तो 7 तो एक अकेला अंक है,
तो हम क्या करेंगे, शून्य पहले ले लेंगे उसके बाद साफ लिखेंगे। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यदि आपको रुपए पैसे दोनों दिए हुए हैं और आपको उसको रुपए में बदलना है तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। आज की इस वीडियो भाग में इतना ही, धन्यवाद।